नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश रायका और आप देख रहे हैं रायका टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक देखिए एक वीडियो में आप ब्रांडिंग वाटरमार्क कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके वीडियो में अगर आप ब्रांडिंग वाटरमार्क लगाते हो तो आपके वीडियो में सब्सक्राइब आपका वीडियो देखकर सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ब्रांडिंग वाटरमार्क क्या होता है। आपने किसी वीडियो के राइट साइड में देखा होगा एक ब्रांडिंग वाटरमार्क, जहाँ पर क्लिक करते ही उसका चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाता है। चैनल के सब्सक्राइब आइकन है वो वहाँ पर मिल जाता है वीडियो के राइट साइड में। ये सेटिंग आपको एक बार इनेबल करनी है और ये आपके किसी भी आप वीडियो अपलोड करोगे ना, नया वीडियो कौन सा भी, तो वो आपके वो सेटिंग है वो इनेबल रहेगी रेगुलर। आपको ब्रांडिंग वाटरमार्क है वो एक बार ही लगाना है। मैं आपको आज ऐसी सेटिंग बताऊंगा, ठीक है। अब ब्रांडिंग वाटरमार्क में आप अपने चैनल का लोगो लगा सकते हो या आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपनी पिक्चर है वो ब्रांडिंग वाटरमार्क में लगा सकते हो या आप एक सब्सक्राइब का बटन है वो भी लगा सकते हो। जैसे ही वो आपकी पिक्चर इस पर क्लिक करेगा या सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेगा, कैसे भी करेगा, वो आपके चैनल पर डायरेक्टली पहुंच जाएगा और आपका चैनल वो सब्सक्राइब हो जाएगा। अब देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कई बार आपका वीडियो फेसबुक पर हो, आपका वीडियो या फेसबुक पर आपने शेयर किया हो, ट्विटर पर हो, कहीं पर भी हो, मान लीजिए व्हाट्सएप पर हो, ठीक है। तो फेसबुक पर आपका वीडियो जाने से क्या होता है, और कई बार क्रोम ब्राउजर में ऐसा वीडियो खोलने से कई बार आपके नीचे सब्सक्राइब बटन है और चैनल का नेम है वो नहीं खुलता है और आपका वीडियो प्ले हो जाता है ना। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका, कई ऐसी वेबसाइट है वगैरह जहाँ पर है लेकिन आपका वीडियो है वो आपके चैनल तक यूट्यूब तक नहीं पहुँच देता है और वहीं प्ले हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर अब आपको वो यूज़र वो व्यूवर से देखने वाला सब्सक्राइब नहीं कर पाता है, ठीक है ना। वहाँ के नीचे एरो होता है लेकिन सब्सक्राइब कर सकता है वो चाहे तो, लेकिन वो सब्सक्राइब उसको इतना मालूम नहीं है कि यार कहाँ से सब्सक्राइब होता है। और आपके चैनल पर अगर वो वाटरमार्क दिखाई देगा तो वो वहाँ पर क्लिक करके वो जल्द से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो यार, इनसे वाटरमार्क से काफ़ी फायदा है सब्सक्राइबर रेंज बढ़ाने का। तो चलिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह से आपको ये वाटरमार्क लगाना है। और अगर इमेज लगाना चाहते हो या वाटरमार्क में जो कुछ भी आप लगाना चाहते हो, एक सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो। तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता, ठीक है। वो आपको मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में अपने चैनल को ओपन करना है और डेस्कटॉप साइट में रख लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट रखने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चैनल का, उस चैनल वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है। देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ब्रांडिंग का, सिंपली आपको ब्रांडिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्रांडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो ठीक है, मैं आपको एक बार इसको हटा कर दिखा देता हूँ। मैंने पहले से अभी लगा कर चेक किया है तो मैं इसको आपको एक बार हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप जब खोलोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है एड ए वाटर मार्क, ठीक है। एड ए वाटर मार्क पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर आना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पीछे का बैकग्राउंड है वो हटा होना चाहिए। दोनों दिखाया जा रहा है कि आपके पीछे का बैकग्राउंड है इमेज का, वो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसमें जाकर के अपनी फोटो को इरेज कर देना है। मैंने ऑलरेडी पहले के बारे में इसके बारे में एक वीडियो बना रखा है और इस ऐप की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा। और आप सिंपली इसके द्वारा अपना बैकग्राउंड है वो हटा सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड हटाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में और भी आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। अब आपको जो बैकग्राउंड हटा के वाली फोटो वो लेना है, तो वो कहाँ से लेना, मैं यहाँ पर अब क्लिक कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, ठीक है। तो मेरी फोटो वो यहाँ पर है, वो यही फोटो इरेजर वाली मैंने जो हटा के रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अब सेव के बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए मेरा ये लग गया, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है और ये सब्सक्राइब का बटन है वो लग गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है और सेव वाले बटन पर वापस क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ये तो ऊपर आपको डिस्प्ले का टाइम दिखाई दे रहा है, उसको आपको कर देना है इंटायर वीडियो, ठीक है। और देखिए आपके वीडियो में यहाँ पर ये राइट साइड में दिखाई देगा यहाँ पर। अब जब भी कोई इस लोगो पर क्लिक करेगा तो आपके चैनल को सिंपली वो सब्सक्राइब कर लेगा, भले ही आपका चैनल पर नीचे कुछ दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर वो दिखेगा, ठीक है। और पूरे वीडियो में ये दिखता रहेगा और आपके चैनल को वो सिंपली आराम से क्लिक करते ही
आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंटायर वीडियो यहाँ पर रख लेना है और इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इजी स्टेप है। अब आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लिया है, ये आपका वीडियो लगे, आप थोड़ी देर बाद में जाना है, तुरंत नहीं थोड़ी देर बाद में, और अपने कोई भी वीडियो को दूसरे डिवाइस में चला कर देखना है, आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है ना, ये बहुत इजी है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर जाकर के रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कोई आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो, अपने चैनल का लोगो है वो भी लगा सकते हो, जो कुछ भी लगाना चाहते हो वो आप, मैं कहता हूँ सिंपली यहाँ पर आपको लगा लेना, लेकिन उसका पीछे बैकग्राउंड है वो हटा होना चाहिए। आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो वाटरमार्क में, आपकी वो चॉइस है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। था आज का हमारा खास वीडियो, आपको मैंने प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखाई दिया कि आप वो ब्रांडिंग वाटरमार्क है वो कैसे लगा सकते हो। ठीक है, और ये आप अच्छी तरीके से आप कोई बटन और जो कुछ भी आप लगाना चाहते हो वो आप आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो के दोस्तों के साथ बस शेयर तो आपको करना ही है, शेयर कर दीजिए, और आपको इसी तरह के टिप्स और ट्रिक और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप जो भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो निसंदेह, कमेंट बॉक्स इसीलिए आपका लिए खुला रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, भगवान करे आपका दिन बहुत ही